नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करके फिर से एक बड़ी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का अगला टारगेट क्या होगा, कंपनी का अगला लेवल क्या होगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। आप देखेंगे आज यह कंपनी क्लोज हुआ है NSE पे 35 रुपये पे। वहीं अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 90.70 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। 52 वीक लो की बात करें तो 24.65 रुपये। वहीं अगर इस कंपनी के डिलीवरी की परसेंटेज की हम बात करें तो लगभग 70% की आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि लोगों ने काफ़ी बुलिश होकर इस कंपनी को बाई किया। इसका मतलब यह कंपनी अगेन फिर से बाउंस बैक करने को तैयार है। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी अपने 50 DMA को ब्रेक करके उसके नीचे आ चुका था। इसका मतलब है कि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिला था, लेकिन अब यह कंपनी फिर से अपने 50 DMA को ब्रेक करके उसके ऊपर आ चुका है। तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन अभी भी इस कंपनी में एक रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि 38.12 रुपये के पास का बनता है, यानी कि 200 DMA के पास में। कंपनी जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक बार कोशिश भी किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इस कंपनी के लिए। जो लोग भी इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं वो चाहे तो वेट कर सकते हैं। जैसे ही यह कंपनी 200 डीएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग लेता है, तो फिर आप चाहे तो इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। लेकिन जब भी बाई करो तो अपना स्टॉप लॉस जरूर से जरूर मेंटेन करें। तो देखते हैं इस कंपनी के डेली चार्ट पे। दोस्तों अगर डेली चार्ट पे इस कंपनी के आज के कैंडल को आप देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यानी यह कंपनी आप देखेंगे अपना हाई बनाता है 36.70 रुपये और इस कंपनी का जो लो बना था वो बना था 34.15 रुपये, जबकि यह कंपनी क्लोज हुआ है 35 रुपये पे, यानी कि यह कंपनी अपने हाई के नीचे आकर क्लोजिंग लिया है। इसका मतलब है कि इसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि 200 DMA के ऊपर जब यह कंपनी निकलता है, यानी कि 38 रुपये के ऊपर, उसके बाद इसमें फ्रेश एंट्री करने की सोच सकते हैं। उससे पहले अगर आप बाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, इसीलिए उसके बाद ही बाई करें तो बेटर है। दोस्तों अगर इस कंपनी को आप बाई करते हैं 200 डीएमए के ऊपर तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 35 रुपये के पास में करना है, और 35 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेना चाहिए। अगर इसके फंडामेंटल से आप सेटिस्फाइड हैं तो बाई करें लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज इस कंपनी से दूर रहें तो बेटर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।